बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो पंजाब असेंबली तहलील की थी उसके बाद क्या ये आप लोगों ने क्या सोचा था क्या होगा, मतलब कंसेंसस के साथ एक कैंडिडेट आ जाएगा? ये भी कहा जाता है कि यू डिडंट थिंक दिस थ्रू, के ये भी हो सकता है कि कैसा इंटरिम सीएम लग जाए जो जिसका प्रोफाइल ऐसा हो, तो ये आपने सोचा नहीं था इम्कान में से एक ये इम्कान भी होगा? मारिया, पहली बात तो ये है कि हमारा पहले दिन से हमारा जो मुतालबा था वो शफाफ फौरी इंतखाबात का था और वो है। हमने दयानतदारी से कोशिश की कि एक निजाम सेटअप ऐसा बने जिस पर लोगों को एतमाद हो, और हमारी नीयत का मुजाहरा आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एक सब आपको पता है कि सियासी कशीदगी चली आती है JUI के साथ, लेकिन उनके जब उनकी तरफ से एक नाम तजवीज किया गया जो हमने समझा कि वाकईतन एक सही नाम उन्हें दिया है, आजम खान साहब एक अच्छी शोहरत वाले आदमी है, तो हमने सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने नाम दिया है हम रुकावट बने, हमने उसे कबूल किया और आपने देखा एक कंसेंसस हो गया। यही हमारी नीयत और कोशिश थी पंजाब के बारे में। हमने वो नाम दिए नेक नियति से जो हमारी दानिश में नून लीग को काबिले कबूल होंगे। मिसाल के तौर पर खोसा साहब का नाम दिया, दयानतदार आदमी है और तजर्बाकार आदमी है, लेकिन उन्होंने खुद माजरत कर ली आपने पहले नाम देने से पहले, उन्हें खुद फोन करके नहीं पूछा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा आदमी चाहिए, हमें एक अच्छा आदमी चाहिए था और हमने उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो एक अच्छे आदमी है, तजर्बाकार आदमी है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नवाज शरीफ साहब के। हमने नाम दिया सुखेरा साहब का, सुखेरा साहब इस वक्त भी कैबिनेट सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। हमने नाम दिया चीमा साहब का, चीमा साहब चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के शहबाज शरीफ के साथ, यानी कि इनके साथ उनकी जान पहचान है, उनका एतमाद हासिल था, तो वो ऐसे अहम ओहदों पे रहे। आइडिया ये था कंसेंसस हो और एक शफाफ इलेक्शन हो सके। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो जिसका इंतखाब किया है, पहले तो पूरी आप देखें बाजार में यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फैसला पहले ही हो चुका है, अभी इलेक्शन कमीशन के पास बात पहुंची नहीं थी, पार्लिमानी कमेटी का अभी इजलास खत्म नहीं हुआ था, तो आपने कहा वाला साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, दीगर लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि फैसला हो चुका है। जब आप एक मुतनाजा फैसला करेंगे हमारी राय में जिस पर एक बहुत बड़े तबके को एतमाद नहीं है, तो आपने एक मुतनाजा इलेक्शन का बीज बो दिया है, इससे आपने सियासी अदम इस्तेकाम की एक नई चाल चली है, इरादा आपका शफाफ इलेक्शन। लेकिन शाह साहब ये तो बात अभी ऑब्वियसली अगर एक सियासी जमात को तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है पंजाब की आपकी अपनी असेंबली आपने वो तहलील की, अब ऐसा केयर टेकर सीएम आया है जो कि आपके नजदीक पीटीआई का दोस्त नहीं है, पीटीआई का जिसे कहते हैं किसके बारे में उनके जो हमें, सर तो हमें, अभी हमें, प्रैक्टिकली सर ये कि पंजाब के अंदर एक ऐसा इंटरिम सेटअप है, यानी आपने अपनी असेंबली तहलील करके बिल्कुल ये सारे मामलात दे दिए पॉलिटिकली अपने मुखालिफीन को कि भाई वो पंजाब। देखिए बात ये नहीं है, हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी क्रेडिबल शख्सियत चाहिए जो शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत अहलियत रखती हो। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी आईनी जिम्मेदारी से आंख चुरा ली है। उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन। जब इस किस्म की नामजदगी करेंगे तो क्या क्रेडिबल इलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा, और ये इन्होंने बहुत बड़ी गफलत की है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारे इन्होंने निजाम को दांव पर लगाया है, ये मुनासिब न था, और आप देखें इस पे लोग एहतजाज, और फिर देखें आप देखें कि उनका बायस देखें, उनका
उनका जो चैनल है आप उसी को उठा के देख लेना। अभी तो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि असेंबली तहलील हो रही है, उनके बायसेस देखे, उनके पर्सनल अटैक। ये बातें तो सारी इट्स आउट देयर सर, लेकिन मसला भी ये है कि पंजाब के अंदर वो केयर टेकर सीएम है, आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आई डोंट नो कितनी आपको उसमें फैसिलिटेशन होगी। अब सारी पोस्टिंग्स वहां पे जो सारे पुलिस के अंदर तबादले ये सब कुछ सर उन्होंने करने हैं इलेक्शन से पहले। देखिए देखिए कर ले ये अपनी मनपसंद अगर पोस्टिंग और वो करेंगे और अपने परवरदा लोग लेकर आएंगे, मुतनाजा लोग लेकर आएंगे, क्या करेंगे, पर्चे करवाएंगे, झूठे करेंगे, धांधली का हिस्सा बनेंगे, इससे पाकिस्तान की खिदमत होगी, इससे निजाम दुरुस्त होगा, इससे मईशत को हम इस्तेकाम दे सकेंगे, हरगिज नहीं। देखिए ये वो हरबे हैं जो माजी में इस्तेमाल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, हम माजी की गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे, हम फिर मुल्क को उसी बंद गली में धकेल रहे हैं जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज जो चैलेंजेस हैं वो एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस है। आज देखिए क्या हुआ, पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, निजाम गवा है, आटा नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, सनतें बंद हो रही हैं और ये सियासी जोड़ तोड़ और इस मैकेनिक्स में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। खुदा का खौफ करें, कोई लोगों पर रहम करे। तो शासन आपके वकला क्या कहते हैं कि आप इसको जब अदालत में चैलेंज करेंगे तो व्हाट आर द ऑड्स इन योर फेवर, क्योंकि ये एक पहली दफा ऐसा वाकया होने जा रहा है, तो वकला ने आपको क्या क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको चैलेंज करें? दूसरा ये कि क्या फिर दोबारा और डिले नहीं होगा एक नए प्रोसेस के तहत जो भी आगे एक सेटअप आना है? देखिए चैलेंज करने का तो अपॉर्चुनिटी है और हमने डिस्कस किया है, बेहतर नहीं कह सकता कि फैसला क्या होगा लेकिन चैलेंज किया जा सकता है। देखिए बुनियादी क्या है, बुनियादी चीज आप बताइए, हमारे आईन में तरमीम की गई और एक केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि माजी में लोग ये निशानदेही करते थे कि ये बायस है, ये तो अपनी पसंद की अपनी जमात के लोग हैं, अपनी पसंद के लोग लेकर आए, तो माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए फैसला किया गया एक ऐसा निगरान सेटअप आए जिस पर सबको एतमाद हो। अब एक ऐसा सेटअप आ गया जिस पर एक मुल्क की बड़ी पार्टी को एतमाद ही नहीं है, उनका बायस ऑब्वियस है, तो आप बताइए उस इलेक्शन की क्या अहमियत होगी? अभी इलेक्शन का आगाज नहीं हुआ और इलेक्शन को मुतनाजा कर दिया। इलेक्शन वैसे आपको लगता है वक्त पे हो जाएंगे कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो? क्योंकि ये कह रहे हैं मारिया बीबी, मारिया बीबी, हम ये इस तरफ बढ़ते ना बढ़ते इनकी इलेक्शन करवाने की नीयत ही नहीं है, हमें इस पे कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन हमने हर कानूनी हमने हर आईनी रास्ता अख्तियार किया, हमने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, हमने कोई वायलेंस की तरफ नहीं गए, हमने कहा जा रहा था धरने पे आ रहे हैं ये जनाब, ये इस्लामाबाद का वो नाक्ता बंद कर देंगे जनाब, ये धरना देंगे, ये वहां चढ़ाई करेंगे, खून खराबा कहीं नहीं हुआ। हमने एक पॉलिटिकल और आईनी लड़ाई लड़ी है और हम कह रहे हैं अब पाकिस्तान के लोगों को से देखिए आपके साथ मजाक किया जा रहा है, एक एजेंडे के तहत एक अरेंजमेंट किया जा रहा है, अगर आप इसको बेनकाब नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो फिर मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन शाह साहब ये भी है ना कि जो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उससे थोड़े से कंफ्यूजन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग गए असेंबली में, आपने 45 इस्तीफे वापस करने की इस्तदा की, आप लोग वापस असेंबली के अंदर जाना चाहते हैं, अब 20 जनवरी सर नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं सुन लीजिए ना, मैं देखिए हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बिल्कुल तसलसल से चल रही है और एक है और वो है फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है ना जी? उस फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमने इस्तीफे दिए, फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमने दो असेंबलियों को तहलील किया, अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया, फ्रेश इलेक्शंस के अरेंजमेंट के लिए हम एक डमी कायदे हिजब इख्तलाफ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद ए जेन्युइन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है? ये हमारी कोशिश है, कामयाब होती है कि नहीं, इनको खौफ था, इनको खतरा था, उस खौफ और खतरे की बुनियाद पर इन्होंने यकलख्त
हमारे 35 और फिर 35 लोगों को इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। जो कुछ स्पीकर कहते रहे उसकी नफी करते रहे, कहते रहे कि मैं एक एक को बुलाऊंगा, पूछूंगा, फिर यक लख्त वो तब्दील हो गए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन शायद तीन दिन पहले जब आप लोग गए थे और आपका ही ऑन बयान ऑन रिकॉर्ड पास मौजूद भी कि आपने कहा कि जी स्पीकर ने हमारे 70 इस्तीफे मंजूर किए हैं, बाकी क्यों नहीं किए, हम वो मंजूर करवाने के लिए असेंबली आ रहे हैं, आपने 20 जनवरी को कहा। आज आप लोग पहुंचे असेंबली के बाहर कि जो 45 इस्तीफे ये हम वापस लेना चाहते हैं। तो 3 दिन पहले जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि सारे मंजूर करें। नहीं, देखिए ना, हमने कहा और आपने दुरुस्त निशानदेही की है, मैं इसकी वजाहत कर दूं। हमने ये कहा कि हम आए हैं, अगर आपने हमारे 70 कबूल किए हैं तो फिर ये भी कबूल कर लें, और अगर आपने ये सिलेक्टिव करनी है, चेरी पिकिंग करनी है, तो उससे हम इख्तलाफ करते हैं, ठीक है। और जब आपने ये कर दिया तो हमने फिर अपनी हिकमत अमली को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस फोनी जो एक अरेंजमेंट है, एक डमी कायदे इख्तलाफ है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने फटाफट हमारे इस्तीफे मंजूर भी कर दिए, और इनकी सफों में बौखलाहट है। असेंबली का अब जी शॉर्ट सर्किट हो गया, असेंबली को 4 दिन के लिए सील कर दिया गया। आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है और इनकी सियासी चालें। प्रायोरिटी क्या, लेकिन शाह साहब अभी फाइनल बता दीजिए, अभी आप क्या चाहते हैं कि ये 45 इस्तीफे मंजूर ना हो, आप असेंबली में बैठे हैं अपना कायदे हिजबे इख्तलाफ लेके आए, या आप चाहते हैं कि ये सारे इस्तीफे मंजूर करें? देखिए, हमें असेंबली में बैठने का या मामूल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है, कोई शौक नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो फोनी बैठी हुई है हिजबे इख्तलाफ, इस के पास 20 लोग हैं, आज भी ऑपोजिशन की जो अक्सरियत है उसको तस्लीम नहीं करती, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंज किया जाए, दैट इज इट। हम कायदे हिजबे इख्तलाफ जो कि एक डमी है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। बाकी आपका ख्याल है कि हम असेंबली में बैठना चाहते हैं या कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? हरगिज नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे, जो आज पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और ये जो 45 इस्तीफे ना वापस लेने के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इस पे हम शाह साहब का मौकफ लेते, ब्रेक पे जाएंगे जब